दुर्ग जिले के ग्राम बोरे गांव में उल्टी दस्त से 40 लोग प्रभावित होने का मामला सामने आया है। वहीं इसकी सूचना मिलते ही स्वास्थ्य अमला गांव में मुस्तैद हो गया। वहीं कॉम्बैक टीम संक्रमित क्षेत्र का सर्वे कर मरीजों का घर पर ही चिकित्सकीय उपचार कर रही है, जिसमें सिर्फ एक का शंकराचार्य अस्पताल में इलाज जारी है। दुर्ग जिले के ग्राम बोड़े गांव में अचानक उल्टी दस्त की शिकायत सामने आई है, जिसमें करीब 40 लोग प्रभावित हुए हैं। इसकी सूचना दुर्ग जिला स्वास्थ्य विभाग को लगते ही स्वास्थ्य अमला गांव में मुस्तैद होकर कॉम्बैक्ट टीम द्वारा संक्रमित क्षेत्र का सर्वे कर प्रभावितों का चिकित्सीय उपचार किया। इस संबंध में सूचना प्राप्त होते ही मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर जेपी मेशराम के आदेशानुसार जिला स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण अधिकारी डॉक्टर एस के मेशराम, जिला सर्विलेंस अधिकारी डॉक्टर सी बी एस बंजारे, श्रीमती रितिका मसीह सहित सुपरवाइजर व स्वास्थ्य कार्यकर्ता सहित कॉम्बैक्ट टीम के अन्य सदस्यों द्वारा संक्रमित क्षेत्र का दौरा किया गया। इसमें खंड चिकित्सा अधिकारी विकास खंड निकुम के अनुसार 14 एवं 15 मई को ग्राम बोड़े गांव के वार्ड 11 में 40 उल्टी दस्त प्रकरण सामने आए हैं। इसमें 39 लोगों का सही स्थानीय चिकित्सकीय उपचार कर रिकवर भी किया गया। सिर्फ एक व्यक्ति को शंकराचार्य मेडिकल कॉलेज जुनवानी में अस्पताल में उपचार कराया जा रहा है। मीडिया से चर्चा में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर जे पी मेशराम ने बताया कि सभी स्वस्थ हैं और स्वास्थ्य लाभ दे रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के कॉम्बैक्ट टीम व मितानिन द्वारा संक्रमित क्षेत्र का सर्वे किया जा चुका है। मितानिनों एवं स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को प्रभावित क्षेत्र में सतत निगरानी किए जाने निर्देशित भी किया गया है। साथ ही स्वास्थ्य केंद्रों में 24 घंटे ड्यूटी लगाई गई है। साथ ही दोनों गांव के सरपंच को ग्राम बोड़े गांव से रवेलीडीह पानी सप्लाई होने वाली पाइपलाइनों को तत्काल बंद कराने, पेयजल की वैकल्पिक व्यवस्था टैंकर हैंडपंप व अन्य साधन से किया जाने तथा गर्मी को देखते हुए पाइपलाइन को सुधार कार्य कराने की सलाह दी गई। वर्तमान में उल्टी दस्त के प्रभावित क्षेत्र में स्थिति नियंत्रण पर है। देखिए, जो ग्राम बोड़े गांव है वो ननखट्टी के अंतर्गत आता है। वहाँ से हमें हमारे कर्मचारी द्वारा खबर की गई कि यहाँ पे एक उल्टी दस्त का आउटब्रेक हुआ है। मैंने इस पे तुरंत एक टीम बनाई, जिसमें हमारे यहाँ के जिला स्वास्थ्य परिवार कल्याण अधिकारी डॉक्टर एस के मेशा और जिला सर्विलेंस अधिकारी जो हमारे हैं डॉक्टर सी बी एस बंजारे, साथ में इनकी पूरी टीम एपिडेमोलॉजिस्ट हमारे यहाँ रितिका मशीन, इन सबको मैंने उस जगह भेजा। उन लोगों ने जाके सरपंच से भी बात करी है और सभी गांव वालों से भी बात करी और वहाँ पे तुरंत एक हमने मेडिकल की टीम बैठा के लोगों का उपचार करना शुरू करे। तो जो 40 लोग थे उसमें 39 लोग जो हैं वो वहीं पे ही ट्रीटमेंट ले लिए हैं और अपने घर में उपचार ले रहे हैं। सभी सामान्य हैं। एक है जिन्हें हमें लगा कि इसे भर्ती करवाना चाहिए, तो शंकरा अस्पताल में वो चले गए हैं और शंकराचार्य मेडिकल कॉलेज में उनका उपचार हो रहा है। वो उनकी स्थिति भी अभी सामान्य है और हम लगातार अपना हमारी जो टीम है वहाँ पे रहेगी। हमारा जो सर्वे का काम है वो पूरा मुस्तैदी से कल से शुरू है, वो चालू है, अभी भी आज भी रहेगा और सभी घरों को हम देख रहे हैं। और हम क्लोरीन की टैबलेट भी बांट चुके हैं वहाँ पे और ORS के घोल टैबलेट भी दिए, पाउच भी दे चुके हैं। हमने तकरीबन वहाँ के सरपंच और वहाँ के मितानिन बहनें और जितने भी हैं उनके साथ मिल करके हमने यह बात कर ली है कि आगे भी किसी गांव में इस प्रकार का प्रचार प्रसार ना हो। हमने SDM साहब को भी खबर कर दी है, हमने कलेक्टर मैडम को भी खबर कर दी है और ये सब अच्छे से ही हो रहा है। ये हमारा अभी तक वर्तमान में पूरी स्थिति नियंत्रण में है। सभी लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि आप लोग सब जो हैं वो अपने अपने पानी को उबाल करके पिए और जितना बन सके आप बाहर का वस्तुएं बिल्कुल मत खाएं, घर में गर्म बनी हुई वस्तु को ही वो खाएं और उबला हुआ पानी पीने से आप लोग को उल्टी दस्त की शिकायत नहीं होगी। और यदि कभी भी ऐसी शिकायत होती तुरंत स्वास्थ्य कार्यकर्ता को खबर करें या नज़दीकी अस्पताल में जाके ट्रीटमेंट करवाएं। ACN न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।